नमस्कार दोस्तों, शोले बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जो हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में बसी रहेगी। इस फिल्म के किरदारों और कहानी की बात की जाए तो दोनों ही बेमिसाल हैं। आज भी इस फिल्म को लोग बिना बोर हुए देखते हैं, लोग इसे आज भी बड़े प्यार से देखते हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी शोले जैसी फिल्म किसी इंसान को बोर नहीं कर सकती है। जब भी हमें शोले फिल्म का ख्याल आता है तो गब्बर का किरदार भी दिमाग में आ ही जाता है। शोले फिल्म में गब्बर का किरदार बेमिसाल है, बाकी किरदार भी गजब के हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने जय और वीरू की भूमिका निभाई है। यहाँ हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं गब्बर जैसे फेमस विलन का किरदार निभाने वाले अभिनेता की बेटी के बारे में। शोले फिल्म में गब्बर के किरदार को अभिनेता अमजद खान ने निभाया है। उन्होंने अपने किरदार को बड़े बखूबी से अदा किया है। खैर, अमजद खान तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बेटा और बेटी इस दुनिया में अपने पिता के नाम को बरकरार रख रहे हैं। अमजद खान का बेटा सदाब खान कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं और फिलहाल वो एक राइटर हैं। वहीं उनकी बेटी अहलम खान बॉलीवुड में अपना कदम रखने वाली है। अहलम खान को बहुत कम लोग ही जानते हैं। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि अमजद खान की एक बेटी भी है। अमजद खान की बेटी अहलम देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। वो काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस है। हाल ही में उनकी कुछ नई फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वो काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। बॉलीवुड के गलियारों से ऐसा सुनने को मिला है कि अहलम खान बहुत जल्द फिल्मों में एक्टिंग करती नजर आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि वो एक बॉलीवुड फिल्म में अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। हालांकि वो रिफ्लेक्शंस नामक शॉर्ट फिल्म में काम कर चुकी हैं। अहलम खान सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपनी तस्वीरों को अपने चाहने वालों के साथ साझा करती हैं। आपको बता दें कि अहलम खान की शादी हो चुकी है। 2001 में उन्होंने जाफरी कराची वाला से शादी की थी। जाफरी कराची वाला भी एक एक्टर है।